जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त बलवीर सिंह और स्वागत है आपका पहलवानी वर्सेस बॉडी बिल्डिंग चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने हिंदुस्तान का गदा या मुद्गर करने से हमारे जिस्म को क्या क्या फ़ायदे होते हैं और वो हमें क्यों करना चाहिए। इस सब चीज़ की जानकारी मैं आपको आज दूंगा। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बात अपने पिछले वीडियो की करनी चाहूँगा। मेरे पिछले वीडियो में मुझे मेरे काफ़ी सारे हिंदू और मुसलमान भाइयों के फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने मुझे बहुत इनक्रेज किया कि आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूं। और मेरे को वो लोग बोले कि उनका पूरा सपोर्ट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे पब्लिक में, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे और उनके फैमिली में भी वो लोग स्टार्ट कर दिए बोलने कि पहलवानी करो और जुम्मन को जाना छोड़ दो। तो थैंक यू दोस्तों, आपका मुझे फ़ोन कॉल्स बहुत अच्छे से इंकरेजमेंट कर रहा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये है मुद्गर और गदगा, दोनों भाषाओं में इसको मुद्गर और गदगा बोलते हैं। लेकिन ये साले चोर अंग्रेज़ा क्लब बेल बोल के इसका नाम रखे, तो इसको क्लब बेल नहीं, हम लोग मुद्गर या गदगा बोलेंगे। तो दोस्तों, ये इसे कसरत करने से अपने जिस्म का पूरा ऊपर का हिस्सा, आपका चेस्ट, ट्राइसेप्स, लैट्स, बैक, शोल्डर्स, यानी आपकी जितना भी ऊपर का अपर बॉडी है, सिर्फ ये एक गदगे से पूरा कंप्लीट हो जाता है। वही अगर अपन जिम में जाके देखें तो शोल्डर के लिए अलग वर्कआउट, चेस्ट के लिए अलग और लैट ट्राइसेप्स के लिए अलग, हर चीज़ के लिए अलग अलग रहता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जो पहले के बुज़ुर्ग थे, उनमें इतना दिमाग था कि एक ही चीज़ में पूरी कसरत आ जाना। तो बेसिक मॉडल से आज मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे घुमाया जाता है, इससे कसरत कैसे कैसे की जा सकती है। जिनको गदगा घुमाना नहीं आता, वो स्टार्टिंग में दो गदगे लेके पकड़ सकते हैं। पकड़ने के बाद इसको उठा के या किसी के सपोर्ट के सहारे अपने कंधों पर रख कर बस इसको ऐसा पकड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़ी बात है ऐसा भी पकड़ना, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके इसमें फोरआर्म्स में, इसको ऐसा पकड़ने के लिए आपके फोरआर्म्स में बहुत सारी ताकत की ज़रूरत है। ऐसा पकड़ के बस ऐसा फेरने की कोशिश कीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। जिसको तकलीफ़ हो रही है ऐसा रख सकते, ऐसा आहिस्ता आहिस्ता ऐसा अपने चेस्ट के करीब ला के फिर ऐसा छोड़ सकते, ये। और दूसरा तरीका है इसको उठाने का, ये ऐसा भी कर सकते। ये सिर्फ आपके हाथों में ताकत आने के लिए है, बस अभी तो इसकी शुरुआत भी नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में ताकत आने के लिए है। थोड़ा सा बाइसेप्स की भी वर्कआउट, इसको ऐसा लगा के हथेली पे लगा के बाइसेप्स की वर्कआउट आप देखो एक बार ट्राई करके, जिम बुल जाना आप, इतना मज़ा आएगा आपके मसल्स में, इतना स्ट्रेच होएगा, जिम को जाना छोड़ देंगे आप। जब आपको महसूस हो कि आपके अंदर ताकत बढ़ रही, तो छोटा सा टेस्ट कर लेना इसको उठा के, ये उठा के ठहरा करके अपने हाथों को पकड़ के ऐसा रोकने की कोशिश कीजिए, ये तो आइए इसको आज घुमाना सीखते हैं। स्टार्टिंग में आप दो हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, और ये हाथ बदल के, यकीन मानो दोस्तों, इससे आपके लैट्स पे इतना प्रेशर गिरेगा, आपके लैट्स पे, आपके बैक्स पे, आपके ट्राइसेप्स पे, आपके शोल्डर्स पे कमाल का रिजल्ट, और स्पेशली आपके फोरआर्म्स पे, आपके फोरआर्म्स फौलाद के हो जाएंगे। उसके बाद दो हाथों से घुमाने की कोशिश करिए हल्लो हल्लो। ये प्रोसेस करने में आपको आराम से 15 से 20 दिन लग जाएंगे। शुरुआत छोटे कदमों से कीजिए, बैलेंसिंग बराबर रख के, ये इतना प्रेशर गिरेगा आपके लैट्स पे कि मरते दम तक
आपके बॉडी का शेप नहीं चेंज होगा और ताकत हमेशा बने भी रहेंगी। फोरआर्म्स में और हाथों में इतनी ताकत आ जाएंगी, किसी को अगर मजाक में पकड़ लिए उसके फरिश्तों को याद करेंगे। उन्हें दो हाथ के बाद फिर एक हाथ से घुमाने की कोशिश कीजिए, एक हाथ में पकड़ के, यस, पूरा लैट्स पे खिंचाओ। सिर्फ एक ही वर्कआउट से ट्राइसेप्स, लैट्स, शोल्डर, बैक, तो दोस्तों ये थी अपने हिंदुस्तान के गदगों का वर्कआउट और ये तो बस एक शुरुआत है, छोटी सी अदना, छोटी सी जानकारी गदगों के बारे में। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे हिंदुस्तान के बुज़ुर्गों के लिए, जो हिंदुस्तान के उस्ताद और खलीफा है, वो उनका नॉलेज शेयर करें अपने बस्ती, मोहल्ले, शहर के लोगों से जो जिमों में जाके अपनी सेहत ख़राब कर रहे हैं। अवेयरनेस लाए वो लोग, क्योंकि आपको जितना नॉलेज है हम लोगों को उतना नॉलेज नहीं है। अगर हमसे कुछ गलती या मुझसे कुछ गलती हो रही तो प्लीज़ आप, मेरा फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पे है, मुझे कॉल करके बताइए, बलवीर तुम ये गलत बोले, इसको ऐसा नहीं ऐसा बोलो, और मैं आपसे सीखता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार मुझ पर ऐसे ही जताते रहिए। और जाने से पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।